अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने एक मोर्चा राजूझोड़े के नेतृत्व में निकाला और यह मोर्चा वन मंत्री के गिरनार चौक परिसर में स्थित आवास पर पहुंचा। मोर्चे के दौरान आंदोलनकारियों ने अपने कौन कौन से मांगों को लेकर क्या आरोप किया, आइए देखते हैं इस खबर में। उलगुनान सकंडा के अध्यक्ष राजू झोड़े के नेतृत्व में आज 10 जुलाई को गिरनार चौक परिसर में एक मोर्चा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों का समावेश था, जिसमें विशेष रूप से पुरुष एवं महिलाएं मौजूद थी। मोर्चे में शामिल आंदोलनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इनकी प्रमुख मांगों में 3 पीढ़ियों की शर्त रद्द की जाए और जंगल से लगकर आदिवासी दलित लोगों को होने वाले अन्याय अत्याचार रोककर उन्हें न्याय दिया जाए तथा वन हक कायदा के अनुसार आदिवासी और गैर आदिवासी को अतिशीघ्र पट्टे दिया जाए। जंगल से लगकर सभी किसानों को हिंसक प्राणियों से खेती तथा स्वयं को बचाने के लिए सोलर कंपाउंड दिया जाए आदि मांगों का समावेश था। वहीं इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने सवाल किया कि जिलाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी क्या, तो सुनिए इस मौके पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजू झोड़े ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए क्या आरोप किया स्वयं उनकी जुबानी। चंद्रपूर जिल्ह्यात जंगल लगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांवरती अन्याय अत्याचारचा प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे। वन कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांच्या पत्राची अवहेलना सुद्धा वन अधिकारी करतात। कुठले जिल्हाधिकारी किती जिल्हाधिकारी आले म्हणून जिल्हाधिकारीचाच पत्राची अवहेलना करत असताना या जिल्ह्यामध्ये वन अधिकारी दिसतात। साधारण गोर गरीब शेतकरी जो हातावर आणून पोटावर खातो जंगल लगत हिंसक प्राणी आणि निसर्गाशी जो भांडतो त्या वन शेतकऱ्यावरती सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अन्याय अत्याचार करतात। आणि या जिल्ह्याची विडंबना, या जिल्ह्यामधला आमदार, या महाराष्ट्राचा वनमंत्री असून सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये वन अधिकाऱ्यांकडनं जिल्हाधिकारीची अवमानना आणि वन शेतकऱ्यांवरती मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार करत असल्यामुळे वनमंत्रीच्या घरावरती आम्ही आलो आहोत। जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही। वनमंत्रीने आपली जबाबदारी घ्यावी आणि त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा। सी टीव्ही के हमारे प्रतिनिधि वैभव विहारकर की रिपोर्ट।